मॉर्निंग ऑफ यू मैं डॉक्टर सुरजीत आप लोग अपने चैनल राइट नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई एम डायरेक्टर ऑफ स्टूडियस आई एस पी सी एस अकेडमी नेहरू बिहार डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली सो लेट्स स्टार्ट टू अबाउट यू जी सी नेट प्रीवियस ईयर पेपर टू थाउजेंड नाइनटीन क्वेश्चन नंबर वन इज शिफ्ट इन एप्टीट्यूड एटीट्यूड इज रिस्पॉन्डेड बिटवीन टू पॉइंट्स ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन इज कॉल्ड रिएक्टिव इफेक्ट मैचुरेशन इफेक्ट रिग्रेशन इफेक्ट और कंडीशनिंग इफेक्ट आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन इन एटीट्यूड इज रिस्पॉन्डेड बिटवीन टू पॉइंट डूरिंग डाटा कलेक्शन इज कॉल्ड रिएक्टिव इफेक्ट मैचोरेशन इफेक्ट रिग्रेशन इफेक्ट एंड कॉन्डिशन इफेक्ट्स एक बार हिंदी hmm. में रिपीट करता हूँ आप लोग देखिएगा प्रदत्त संकलन के दौरान दो बिंदुओं को बीच दाताओं की अभिवृत्तियों में परिवर्तन उत्तर दाताओं की अभिवृत्तियों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है रिएक्टिव इफेक्ट मीन्स प्रक्रियात्मक इफेक्ट मैचोरेशन इफेक्ट मीन्स परिपक्वता इफेक्ट रिग्रेशन इफेक्ट मीन्स प्रतिगमन प्रभाव एंड कंडीशनिंग इफेक्ट मीन्स अनुकूलन प्रभाव आंसर इज सी या प्रतिगमन प्रति गमन प्रभाव ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टाइम फ्रेम इन विच आई स्टडी एक्सप्लोर द सिचुएशन आर प्रॉब्लम इज आल्सो कॉल्ड द रेफरेंस पीरियड एज लॉन्गिट्यूडनल रिस्ट्रोपैक्टिव टाइम्स वह समय अवधि जिसमें एक अध्ययन एक स्थिति या समस्या की छानबीन करता है उसे क्या कहते हैं रेफरेंस पीरियड या संदर्भ सम अवधि आय मीन्स एज एंड लॉन्गिट्यूडनल मीन्स अनुधर्य या रिस्ट्रोपैक्टिव टाइम या विगत काल सो आंसर इज रेफरेंस पीरियड या संदर्भ अवधि या संदर्भ अवधि संदर्भ अवधि ओके लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन लेट डिस्कशन थर्ड क्वेश्चन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलेस एनालाइसिस इज टू सीक आउट ऑप्शन वन इज डिफरेंस अमंग वेरिएबल्स वेरिएबल्स वेरिएशन अमंग वेरिएबल्स एसोसिएशंस अमंग वेरिएबल्स let's सो लेट्स एक्सप्लेन हिंदी सहचर्य सहसंबंध सहसं विश्लेषण की मुख्य विशेषता क्या प्राप्त करना है ऑप्शन वन इज चरों के बीच अंतर चरों के बीच भिन्नताएं, वेरिएशंस अमंग वेरिएबल्स एंड थर्ड वन इज एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स चरों के बीच सहचर्य एंड फोर्थ इज चरों के बीच प्रतिगमन या एग्री एग्रीग्रेशन अमंग वेरिएबल्स आंसर इज सी सॉरी आंसर इज सी एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स चरों के बीच सहचारे सहचर चरों के बीच सह चारे ओके लेट्स डिस्कस फोर्थ नंबर क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन विच ऑफ़ द लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स विल इन्फ्लुएंस हिज हर रिस्पेक्टिव इन कोर्स ऑफ स्टडी अध्ययन के दौरान अधिगम अधिगमकर्ता मीन्स स्टूडेंट की कौन सी विशेषताएँ उसके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेंगी सिक्स पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स नंबर वन लर्नर्स कमिटमेंट्स अधगमकर्ता की प्रतिबद्धता स्टूडेंट की प्रतिबद्धता कितना कमिटेड है अपने गोल को लेकर के अपने एग्जाम को लेकर के अपने स्टडी को लेकर के कितना कमिटमेंट का लेवल है उससे पहला इसलिए सही होगा यह किसी भी स्टूडेंट के इन्फ्लुएंस स्टडी की इफेक्ट करता है क्योंकि उसका कमिटमेंट लेवल ही होता है कि आपको प्रोफेसर बनना है तो ये आपका कमिटमेंट लेवल है कि आपको प्रोफेसर बनना है ओके सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट एंड द सेकेंड्स पेरेंट्स इंटरेस्ट इन द लर्नर्स माता पिता की अब अधिगम करता या स्टूडेंट में रुचि कितनी है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि माँ बाप जबरदस्ती बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं वो पैसा दे सकते हैं आपको सुख सुविधाएँ दे सकते हैं बट आपको पढ़ा नहीं सकते सो सेकंड इज अनाटा करेक्ट आंसर एंड थर्ड इज़ पीरियन नॉलेज ऑफ द लैंडनेस अधिगमकर्ता पूर की पूर्व की जान स्टूडेंट को जो पूर्व की नॉलेज है कोई बच्चा हिस्ट्री को हो सकता कोई इतिहास कोई हिंदी को हो सकता है कोई समाज शास्त्र का हो सकता है कोई विज्ञान को हो सकता है कोई कृषि विज्ञान को हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट का कोई स्टूडेंट हो सकता है सो so, उसका प्रिय नॉलेज इंपॉर्टेंस होता है एंड द फोर्थ इज स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्ट एरिया संबंधित क्षेत्र में अधिगमकर्ता का कौशल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है ये इंपॉर्टेंट होता है तो ऑप्शन वन एंड थर्ड इज सही एंड फोर्थ इज स्किल ऑफ लर्नर इन द कंसर्न एरिया किसी भी विद्यार्थी किसी भी अधिगमकर्ता की उस सब्जेक्ट पर्टिकुलर में कितनी नॉलेज है ये है डिपेंड करता इसलिए फोर्थ पॉइंट्स इज अ करेक्ट फैमिली साइज ऑफ द लर्नर्स ए जस्ट बेकार ऐसे ही दे दिया गया स्टेटमेंट इसका कोई रिलेवेंस नहीं है तो इसमें कैंसिल है uh, फिर सिक्स इज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ फैमिली टू हीच द लर्नर्स बिलान विद्यार्थी या अधिगमकर्ता जिस परिवार से संबंधित है उसकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से विद्यार्थी का अध्ययन प्रभावित होता है बिल्कुल नहीं ये कोई बात नहीं होती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग अपने कितना उसका ज्ञान है उसका कितना पूर्व जानकारी कौशल क्या है इस पर डिपेंड करता है सो ये sixth is also a wrong statement so answer is 1 third and fourth let's choose the answer 1 third and fourth let's discussion discuss fifth questions fifth question the performance of student is compared with another student in which type of testing निम्नलिखित में से परीक्षण के किस प्रकार में एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है मीन्स स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को कंपेयर जो किया जाता है वो परीक्षण जो टेस्टिंग होती है परफॉर्मेंस का वो टेस्टिंग का नाम क्या व ठीक है टेस्टिंग परीक्षण का नाम क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन इज क्रिए क्रिएशन क्रिएशन रेफ्रेंस टेस्टिंग मीन्स निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण सेकेंड वन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग या नैदानिक परीक्षण थर्ड इज सुमेटिव टेस्टिंग या संकल्पनात्मक परीक्षण फोर्थ इज नॉर्म रिफ्रेंस टेस्टिंग मीन्स मानक संदर्भित परीक्षण सो आंसर इज सी सॉरी डी नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग मानक मानक संदर्भित संदर्भित परीक्षण लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर सिक्स लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फ्राम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी स्पेलिंग सैंपलिंग प्रोसीजर नॉन प्रोबेलिटी सैंपलिंग प्रोसीजर्स असंभवता प्रतिचयन पद्धति रिपीट कर देता हूँ आ संभव्यता ता प्रतिचयन प्रति चयन प्रतिचयन पद्धति क्या है सैंपल रैंडम सिंपल रैंडम सैंपलिंग समान यादेश प्रतिचयन ठीक है ये आंसर गलत है समान यादेश प्रतिचयन यहां नहीं होता है सेकेंड इज डायमेंशनल सैंपलिंग या विमनात्मक प्रतिचयन बिल्कुल सही है बीमारत्मक प्रतिचयन थर्ड इज स्नोबॉल सैंपलिंग बिल्कुल करेक्ट है एंड फोर्थ इज है क्लस्टर सैंपलिंग या गुच्छ प्रतिचयन या क्लस्टर सैंपलिंग क्लस्टर सैंपलिंग नहीं है इसमें ठीक है वो संभव्यता प्रतिचयन पद्धत होती है एंड सिक्स इज स्टर्टिफाइड सैंपलिंग या अस्त्र प्रति चैन बिल्कुल रंग आंसर है सो आंसर इज आंसर इज कोटा सैंपलिंग होता है फिफ्थ uh, भी होगा इसमें कोटा चयन का मतलब होता है कोटा प्रतिचयन बिल्कुल आंसर इज सेकंड सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ सो आंसर इज डी आंसर इज डी नेक्स्ट सेगमेंट द द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन फ्यूचर रिसर्च कंडक्ट इज कॉल्ड व अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है कहलाती है द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन फ्यूच और रिसर्च इज कंडक्ट इज कॉल्ड सिनोसिस ऑफ रिसर्च रिसर्च डिजाइन रिसर्च हाइपोथिस रिसर्च पैराडिंग मीन्स हिंदी में रिपीट करते हैं पहला सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च शोध का सारांश सारांश बाद में लिखा जाता है शोध अभिकल्प शोध डिजाइन जो आपका रिसर्च कंडक्ट होगा वो पहले शोध डिजाइन पे ही शोध अभिकल्प होता है डिजिफिकेशन बोलते हैं तो जो रिसर्च है रिसर्च डिजाइन इज अ करेक्ट मीन्स शोध अभिकल्प एंड थर्ड को फोर्थ ऑप्शन को आंसर पढ़ देते हैं शोध परिकल्पना या फोर्थ इज शोध परिमान नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एट क्वेश्चन ह्यूच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट निम्नलिखित में से हुआ कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है पर्सनालिटी टेस्ट प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड स्केल्स सो आंसर इज एप्टीट्यूड या अभिक्षमता परीक्षण जो परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जा सकता है ठीक है परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज किया जा सकता है अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन ऑफ विच ऑफ द स्ट्रेटजी इन द लिस्ट किवन बिलो विल बी एसोसिएटेड विद डायरेक्ट टीचिंग जो करेक्टरिस्टिक्स नीचे दिए गए स्टेट सी हैं जो डायरेक्ट टीचिंग होती है डायरेक्ट टीचिंग में कौन कौन से एसोसिएटेड हैं नीचे दी गई सूची में कौन सी रणनीतियाँ प्रत्यक्ष शिक्षण से संबंधित हैं ऑप्शन वन पॉइंट वन प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन यस जब क्लास में टीचर और स्टूडेंट डायरेक्ट इंटैक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोवाइडिंग्स एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशंस उदाहरण और व्याख्या प्रदान करना सो so, ऑप्शन पॉइंट वन इज करेक्ट एंड प्रोमोटिंग इंक्वायरीज इंक्वायरी ऑफलाइन मोड में होती है जैसे कि अभी हम आपसे यूट्यूब पे आप लोग हमारे वीडियोज देख रहे हैं आप हमसे क्वेश्चन करना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं इंक्वायरी कर सकते हैं सो इंक्वायरी इज अ नॉट स्ट्रेटजी ऑफ डायरेक्ट टीचिंग सो दिस इज रॉन्ग फोकसिंग ऑन कंसेप्ट फोकसिंग ऑन कंसेप्ट ही मेन नहीं होता है डायरेक्ट टीचिंग में अंडरस्टैंडिंग मेन होता है स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग करना चीज़ों को डायरेक्ट सॉल्व करना सो फोकसिंग ऑन कंसेप्ट इज आल्सो नॉट डायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी ठीक है प्रत्यक्ष शिक्षण की रणनीतियाँ नहीं है गिविंग रिव्यू एंड रिकैप्चुलेशन गिविंग रिव्यू एंड रिकैप्चुलेशन मीन्स अंतविशणात्मकता और पुनः प्रस्तुति करता करता मीन्स स्टूडेंट को बोलना कोई चैप्टर में वहाँ पर पढ़ा दिया उसके बाद स्टूडेंट को बोलें कि आप कुछ चीज़ को बोर्ड पर हमें एक्सप्लेन करें तो इसे बोलते हैं प्रस्तुति करता सो डायरेक्ट टीचिंग का मैथड है एंड नेक्स्ट पॉइंट इस ओरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक अभ्यास और प्रतिपुष्ट प्रदान करना स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन दे करके वहाँ पर ही टेस्ट दे करके आप उससे फीडबैक ले सकते हैं ठीक है तो आपको टीचिंग कैसे है उससे वहां पर फीडबैक मिल सकता है डायरेक्ट सो ए डायरेक्ट टीचिंग को प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या प्रस्तुति और समस्या समाधान ये डायरेक्ट टीचिंग का मेथड नहीं है सो दिस इज नॉट राइट ऑप्शन सो ऑप्शन इज वन फोर एंड फिफ्थ वन फोर एंड फिफ्थ लेट्स द आंसर लेट्स

कन्वर्जेंट क्वेश्चन या अभिशारी प्रश्न नो no, अभिस प्रश्न नहीं होते डाइवर्जेंट क्वेश्चन डाइवर्जेंट क्वेश्चंस या अपसारी प्रश्न बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि विषय वस्तु तो आधारित प्रश्नों के बजाय प्रक्रिया आधारित में डाइवर्जेंट अपसारी प्रश्न आते हैं फैक्ट बेस क्वेश्चन या तथ्य आधारित प्रश्न सॉरी तथ्य आधारित प्रश्न में नहीं आते हैं सो थर्ड वन इज रॉन्ग एंड फोर्थ इज कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन

कमेंट्स कमेंट्स एन मी एंड अब यहाँ से विद्यार्थियों बौद्धगमता या पैसेज का क्वेश्चन है पैसेज काफ़ी लंदी है सो पैसेज में आना पड़ के आप लोगों को डायरेक्ट आंसर आप लोगों को जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन कर देंगे तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं ओके okay? यदि किसी विद्यार्थी को ए बौद्धगमता का या फिर पैसेज जो है ए पी में चाहिए तो वो कमेंट करेगा मैं उसे प्रोवाइड कर दूँगा ओके लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर इलेवन द टाइम साइकिल ऑफ सिस्टम ऑफ नेचर फॉलो देयर वन पॉथ रिदम प्रोसेस साइकिल प्राकृतिक कार्य प्रणाली के समय चक्र में उनके अपने स्वयं के का पालन करता है किसका क्या मार्ग करता है लय का प्रक्रिया या चक्र सो आंसर इज रिदम या रिदम या लय ओके okay? लय का पालन करता है कैसे एक्सप्लेन कर एक प्राकृतिकी कार्य प्रणाली के समय चक्र में अनेक स्वयं के लय का पालन किया जाता है चूंकि एक कालचक और नैसर्गिक प्रक्रियाँ सदैव चलती रहती हैं इसीलिए पृथ्वी का पर्यावरण गतिशील रहता है हमेशा पर्यावरण मूवमेंट करता है इसीलिए क्या बोलते हैं लय होती है मतलब लय मतलब होता है सिक्वेंसी को मतलब निश्चित रूप से बार बार चीज़ों को रिपीट करना ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द व्यू सीन by a पैसेंजर लुकिंग आउटसाइड अ विंडो इन अ एयरक्राफ्ट विल बी affected बाई यदि विमान यात्री कोई बायन में बैठा है तो बाहर देखता है तो किस चीज़ से प्रभावित होगा किस चीज़ से प्रभावित हो प्रक्रिया से मीन्स प्रोसेस से या प्रक्रिया एंड सेकेंड इज टैटन या अभिरचना स्केल मापनी से रिदम या लय से सो आंसर इज स्केल या हिंदी में मापनी मापनी से प्रभावित कैसे विमान यात्री जब खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पर दृश्य मापनी से प्रभावित हो मीन्स दृश्य मापनी क्या होता है अब जब भी बायोन में आप लोग कोई जो भी बैठे होंगे आप देखेंगे वहां पर बादल में एक सा दिखाई देता है तो उसी बोलते हैं दृश्य मापनी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल जोग्राफी स्टडी द रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर इज अंडरस्टैंड टू ठीक है क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं भौगोलिक भौतिक भूगोल में मनुष्य और प्राकृतिक के मध्य अंत क्रिया के परिणामों का अध्ययन किया जाता ताकि वैश्विक जल या परिवर्तन के बारे में बहुत हो सके इंग्लिश में अंडरस्टैंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज सेकेंड वन इज प्राकृत पर मनुष्य के क्रियाकलापों के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ मैंस एक्टिविटीज ऑन नेचर वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों का निराकरण किया जा सके एड्रेस द इशू ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड फोर्थ इज मनुष्य और जंतु के बीच संघर्ष को कम किया जा सके रिड्यूस मैन एनिमल सो आंसर इज एड्रेस द इशू ऑफ ग्लोबल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज द मेन थीम ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ठीक है मनुष्य और प्रकृति के बीच जो अंत क्रिया का अध्ययन किया जाता है उसका मेन ऑब्जेक्ट है वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों का निराकरण किया जाना लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन इन ज्योग्राफी पैटर्न स्टडी द वेरियस ऑब्जर्व इन फेनोमेनन एट अपर्टिकुलर स्केल एनी स्केल एवरी स्केल या मोस्ट स्केल भूगोल के अंतर्गत अभिरचना अध्ययन में परिघटना में प्रेरित प्रेरित प्रेक्षित परिवर्तन किस स्तर पर देखा जाता है ऑप्शन वन अपर्टिकुलर स्केल मीन्स किसी मापनी विशेष पर बी, एनी स्केल मीन्स किसी भी पैमाने मतलब कोई फिक्स नहीं है थर्ड वन इज है एनी स्केल प्रत्येक मापनी में एवरी स्केल मीन्स प्रत्येक मापनी किसी भी में एंड फोर्थ इज मोस्ट स्केल मतलब अधिकांश मापनी में ठीक है सो आंसर इज आ पार्टिकुलर स्केल या किसी विशेष मापनी में ही इसका परीक्षण किया जा सकता है ओके लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द एलिमिनेशन ऑफ लैंड मार्क्स विथ अदर एलिमेंट कैन बी सीन बाई पैसेंजर ऑन अ फ्लाइट ऑन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अन्य तत्वों के साथ भू आकृतिक लैंडमार्स के लयन को विमान यात्री द्वारा किस पैमाने पर देखा जा सकता है ग्लोबल स्केल वैश्विक पैमाना या कॉन्टिनेंटल स्केल या लोकल स्केल टाइम स्केल सो कॉन्टिनेंटल स्केल या महाद्वीपीय पैमाना क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज

एट द क्रॉस रोड चेंज फ्रॉम ग्रीन टू ऑरेंज इज आर वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इट्स अ नॉन वर्बल सो दिस इज रॉन्ग द चाइल्ड वॉच क्राइंग टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द मदर्स बच्चा आपने रोता है माँ का ध्यान आकर्षित करने लिये क्या ये वर्बल और नॉन वर्बल दिस इज अन वर्बल एंड डी ऑप्शन दीपक रोट अ लेटेड फॉर लीव अपन दीपक एक अवकाश पत्र लिखता है क्या ये वर्बल या नॉन वर्बल दिस इज अन वर्बल कम्युनिकेशन सो आंसर इज अ प्रोफेसर शर्मा डिलीवर द लेक्चर इन द क्लास रूम प्रोफेसर शर्मा क्लास रूम में लेक्चर्स दे रहे हैं ये क्या है वर्बल कम्युनिकेशन से ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ

में मिश्र तो यह कहलाता है क्वालिटी में क्या हो डिफर हो तो क्या कहलाता है कंट्राडिक्टीज मींस विरोधात्मक कॉन्ट्रेक्ट्रीज मींस बिलोम कॉन्ट्रेट्रीज मींस बिलो मी, क्या था बिलोमिंग ओके सो आंसर इज कंट्राट्रीज सेप्टन का मीन्स हो एंड फोर्थ इज प्रास्त्री सो आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ द सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल ठीक है सो आंसर इज आंसर इज फिफ्टीन अपॉइन एट ट्वेंटी सिक्स अपॉइन फाइव थर्टी सिक्स अपॉइंट सेवन एंड थर्टी सेवन पॉइंट फाइव सो आंसर ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव एक्सप्लेन नहीं करेंगे बाद में यहाँ पर जब मैथ का डिस्क लेक्चर आएगा तो आप लोगों को प्रॉपर मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास मीडिया डू नाट है प्री डिटर्माइंट प्रेक्शंस फॉर एवरी वन एंड पीपल पीपल यू डेम एट द वे द लाइक दिस इज सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दैट

में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व निर्धारित प्रकार नहीं होते हैं और व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार उनका उपयोग करता है इस तथ्य का क्या तात्पर्य है सो लेट्स ऑप्शंस इन हिंदी अग्रगाहक सक्रिय होता है मीन्स जो ऑडियंस होता है जो दर्शक होते हैं वो सक्रिय होता है विषय वस्तु का कोई महत्व नहीं है विषय वस्तु में बहुलता का अभाव है लैक ऑफ प्लोरिटी विषय वस्तु में बहुलता का अभाव है जो अग्रग किया फिर हमारा दर्शक है समरूपी है होमोजेनस है में करेक्ट क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑडियंस आर एक्टिव यह हमारे जो दर्शक हैं व्यूवर्स हैं वो क्या हैं सक्रिय हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज इफ इफ प्रपोजिशंस ऑल रिपब्लिक

स्टेटमेंट रिपीट करते हैं सभी गणतंत्र कृतज्ञ मीनस आपको यहां पर दिखा देते हैं गणतंत्र गणतंत्र और कृतज्ञ कृतज्ञ यदि तर्क वाक्य सभी गणतंत्र कृतज्ञ को सत्य मान लीजिए स्टेटमेंट करेक्ट है सो so, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वाक असत्य हो सकता है मीन्स कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट होगा ओके okay? सो so, लेट्स स्टेटमेंट सी द स्टेटमेंट वंस गणतंत्र कृतज्ञ नहीं है गणतंत्र कृतज्ञ नहीं है बिल्कुल है आप डायग्राम देखिए गणतंत्र सारे गणतंत्र कृतज्ञ हैं सो so, स्टेटमेंट ऑन इज करेक्ट मीन्स आपका यहाँ कर यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा फाल्स पूछा है सो so, आपके आंसर में ये आ जाएगा ठीक है एंड बीज सम रिपब्लिक्स आर नाटक ग्रेटफुल कुछ गणतंत्र कुछ गणतंत्र कृतज्ञ नहीं है कुछ गणतंत्र कृतज्ञ नहीं है अभी मैंने कहा सारे गणतंत्र कृतज्ञ मतलब कुछ भी है ओके okay, so भी सही है यह भी गलत स्टेटमेंट है सो आपके आंसर में आ जाएगा नो रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल कोई भी रिपब्लिक कोई भी गणतंत्र कृतज्ञ नहीं है फिर वही बात हो रही है सारे यहां पर रिपब्लिक कृतज्ञ सम रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल कुछ गणतंत्र कृतज्ञ सारे मतलब ये तो स्टेटमेंट करेक्ट दिया है तो तो हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है तो आंसर हो जाएगा आपका डी नहीं है तो वन टू थ्री ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन संजय सोल्ड आर्टिकल एट और लॉस ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट संजय ने एक वस्तु की पच्चीस प्रतिशत की हान पर बिक्री की इफ द सेलिंग प्राइस है वन सेवेंटी फाइव रुपीज यदि बिक्री मूल्य में एक सौ पचहत्तर रुपये की वृद्धि होती है तो तो देअर वुड हैव बीन अ गेन आप टेन परसेंट एक सौ पचहत्तर रुपये की वृद्धि होने पर उसे दस परसेंट का लाभ होता है देन वाट व कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल तो उस वस्त्र का मूल्य क्या था सो so, उसका मूल्य होगा फाइव हंड्रेड रुपीज एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर रहा हूँ आप लोग कर लीजिएगा अदरवाइज मैथ का जब लेक्चर आएगा आप वहाँ पर देख लीजिएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू अ कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड कंप्लीट वेन संप्रेसर प्रक्रिया को तब पूर्ण माना जाता है जब असेंडेड ट्रांसमिट द मैसेज प्रेषक संदेश को प्रसारित करता है द मैसेज इंटेड द चैनल मीन्स संदेश माध्यम में प्रवेश करता है संदेश माध्यम प्रवेश करता है थर्ड द मैसेज लीव द चैनल संदेश माध्यम से पृथक होता है फोर्थ इज द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज मीन्स जो रिसीवर है उस संदेश को क्या कर लेता है समझ लेता है या डी कोड कर लेता है डी कोड कर लेगा मतलब आकूटन कर लेगा तो क्या हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है सो आंसर इज डी एनी डाउट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इज अ कस्टमर राइट टू अ बैंक काइंडली सेंड मी अ स्टेटमेंट ऑफ माई ट्रांजैक्शंस इन माई सेविंग बैंक अकाउंट एक बैंक ग्राहक अपने जो बैंक से बोलता है कि आप मेरे बचत खाते के लेन देन का विवरण भेजें तो एक कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन है क्या हो जाए इनपुट है मीन्स आगत है मैसेज है या संदेश है सी आउटपुट है फोर्थ फीडबैक है मींस प्रतिपुष्ट है सो आंसर इज मैसेज है ये संदेश कम्युनिकेशन है ओके फोर्थ इज अ ट्रेन लीव आगरा एट फाइव ए एम एंड रीच दिल्ली एट नाइन ए एम अनदर ट्रेन ट्रेन लीव दिल्ली एट सेवन ए एम एंड रीच आगरा एट टेन थर्टी एम एट फर्ट टाइम डू द टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर दोस्तों मैं मैथ और रीजनिंग का भी यहाँ पर आपको प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर है पूरे कंप्लीट पेपर को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ सो so, जिस फॉर्मेट में था बस इसमें पी डी एफ पे करके आप लोग इस समय पूरा एक्चुअल पेपर लेके सक, कर आएँ जिससे आप क्वेश्चन को नेचर को समझ सकें क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ कि यू यू जी सी एन टी ए नेट या यू जी सी नेट जी आर एफ पेपर ऐसे होता है और आपको यहाँ से पैंतीस से चालीस पैंतालीस क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग गेन कर सकते हैं सो so, मैथ का मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैथ के लिए अलग से वीडियो हमारे चैनल पे आएगा पर उसमें थोड़ा सा विलम्ब होगा सो so, अभी आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को बस ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए ओके लेट्स डिस्कस सो ट्वेंटी का आंसर हो जाएगा आपका सेवन फिफ्टी सिक्स ए एम मीन्स ऑप्शन नंबर डी ओके लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द प्रीपोजिशन नो रेड इज ब्लैक इज इक्वेलेंट टू स्विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन मीन्स इसका डायग्राम डायग्राम ऐसे बनेगा रेड एंड दिस इज ब्लैक हिंदी में इसकी बात कर लेते हैं तर्कवाक कोई लाल काला नहीं है मीन्स कोई लाल और कोई काला एक नहीं अलग अलग है तो तो निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के समतुल्य होंगे निम्नलिखित जो स्टेटमेंट्स देने हैं नीचे दिया गया है वो इनमें कौन से अप्रिपियेट होंगे नो ब्लैक इज रेड बिल्कुल सही है नो ब्लैक इज रेड अभी आपको डायग्राम दिखाई दिए हैं ब्लैक एंड रेड सो so, कोई भी काला लाल नहीं है ऑप्शन पहला कोई काला लाल नहीं है बिल्कुल सही स्टेटमेंट आल रेड आर ब्लैक बिल्कुल एक स्टेटमेंट कहीं से देखते ही गलत दे है सम रेड आर नॉट ब्लैक बिल्कुल सही सम रेड आर नॉट ब्लैक वन सेकेंड स्टेटमेंट ए भी रॉन्ग है एंड रेड इज नॉट अ ब्लैक बिल्कुल सही है स्टेटमेंट सो आंसर इज आंसर इज वन एंड फोर्थ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स। टू फोर कंक्लूजन ड्रॉ फ्रॉम देम विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड बी वैलिडिटली ड्रॉ फ्रॉम द प्रीमिसेस नीचे दो आधार वाक्य दिए गए हैं जिनमें चार निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इन आधार वाक्यों में वैध रूप प्राप्त किया जा सकता है आप लोग एक मिनट क्वेश्चन पढ़िए ओके। क्वेश्चन नंबर लेट्स एक्सप्लेन हिंदी नीचे दो आधार वाक्य दिए गए हैं जिनसे चार निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इन आधार वाक्यों में वैध रूप से प्राप्त किया जा सकता है टेबल some bags are table some bags are table okay some bags means bag some bags are table okay okay one second one second let's draw against some bags some bags are table okay next is all bags are चेयर्स ऑल बैग्स आर चेयर्स ओके सो सो कंक्लूजन्स मीन्स निष्कर्ष है सम टेबल्स आर चेयर टेबल्स आर चेयर नो चेयर इज अ टेबल सम चेयर्स आर बैग सम बैग्स आर नॉट टेबल आप लोग डायग्राम देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा एक बार डायग्राम दोबारा पर यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं तो आपको समझ में आएगा बैग सम बैग आर चेयर्स टेबल्स एंड ऑल बैग्स आर चेयर्स सो कंक्लूजन पढ़िए सम टेबल्स सम टेबल्स आर चेयर्स बिल्कुल क्योंकि ये वाला रीजन क्या है सम टेबल्स आर चेयर्स नो चेयर इज टेबल्स सेकेंड इज रंग एंड सी सम चेयर्स आर बैग समेयर्स आर बैग या एग्जैक्टली समर्स आर बैग सम बैग आर नॉट अ टेबल सम बैग आर नॉट अ टेबल दिस इज नॉट करेक्ट सो आंसर इज आंसर इज ए एंड सी लेट्स डिस्कस another question is 27 the average of 35 row score is 18 the average of 35 rows is 18 the average of first 17 of them is 14 and the last 17 is 20 find the 18th row score so answer is 52 ओके okay. आंसर आप लोगों को आराम से पता चल गया होगा कैसे होगा फिर भी आप लोग चाहते हो मैं एक बार बता देता हूँ हो, कैसे होगा 18 इंटू थर्टी फाइव ओके शो इनका योग कितना हो जाएगा सिक्स थर्टीन एंड द फर्स्ट फोर्टीन के क्या है फोर्टीन इंटू सेवेंटीन इज इक्वल टू टू Thirty eight and seventeen into twenty is equal to three forty, and then answer is three sixty minus two thirty eight plus three forty. ज यूक्ल टू फिफ्टी टू सो आंसर इज सी ओके लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर एटीन ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट प्री एक्टिव स्टेज ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज इंपॉर्टेंस जस्ट एज प्री लर्निंग प्रिपरेशन स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है कक्षा शिक्षण का पूर्व संक्रियात्मक चरण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना संप्रेषण की पूर्व अधिगम तैयारी का चरण तो इस कम्युनिकेशन के क्या बोलते हैं हाइपोथेटिकल या परिकल्पनात्मक बी डिडक्टिव मीन्स निगमात्मक सी इंडेक्टिव आगमनात्मक डी एनोलॉजिकल मीन्स सदृश्यात्मक सदृशत्मक ऑप्शन इज टी डिस्कस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इज इन द टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन यूजली सीक्वेंस इज इन लैंग्वेज ऑप्शन वन लैंग्वेज कम्युनिकेशन सोसाइटी सिविलाइजेशन ओके नेक्स्ट कम्युनिकेशन सोसाइटी लैंग्वेज सिविलाइजेशन थर्ड वन इज कम्युनिकेशन लैंग्वेज सोसाइटी सिविलाइजेशन फोर्थ इज लैंग्वेज सोसाइटी कम्युनिकेशन एंड सिविलाइजेशन आंसर दीजिए आप लोग ओके आप लोग कमेंट भी करते रहिए ठीक है हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए हम चैनल पर आए हुए हैं इस क्वेश्चन को हिंदी में एक बार रिपीट करते हैं संप्रेषण के संदर्भ में समान अनुक्रम क्या है तो हम डायरेक्ट हिंदी में डायरेक्ट आंसर पढ़ते बताते हैं आप लोगों को कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण लैंग्वेज मीन्स भाषा सोसाइटी समाज सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता संप्रेषण कम्युनिकेशन लोगों में होगा तो उसका माध्यम क्या होगा लैंग्वेज और लैंग्वेज से सोसाइटी होती है फिर सोसाइटी से सिविलाइजेशन बनती है ओके शो दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्टीन इफ रीजन इज कोडेड फाइव रीजन जो रीजन है इसे पाँच से कोड किया जाता है गवर्नमेंट एच नाइन देन वाट इज द कोड ऑफ एक्सीडेंट शो आंसर इसका हो गया सेवन कैसे आप लोग मुझे कमेंट करिएगा आंसर मैं एक बार आप एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पर रीजन में कितने वर्ड्स हैं वन टू वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नाइन माइनस वन इज इक्वल टू सॉरी दिस इज टेन टेन माइनस वन इज इक्वल टू नाइन सो कोड क्या हो रहा है जितने नंबर नम, जो सब वर्ड दिए गए हैं कितने डिजिट के वर्ड हैं उनमें सब माइनस वन करने पे आपका आंसर हो जाएगा तो एक्सीडेंट कितने वर्ड का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट माइनस वन इज इक्वल टू सेवन सो आंसर क्या हो गया सेवन ओके लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स दैट्स व एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन लाख रुपीज ओके पर एन एम ओवर द गिवन ईयर आंसर द कम क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाटा कंटेन इन द टेबल मैं यार टेबल को फाइल आउट नहीं कर पाया तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा या फिर बोलेंगे आप लोग कमेंट करेंगे मैं आपको पी डी एफ प्रोवाइड कर दूँगा मैथ और डी आई एंड रीजनिंग में कुछ डायग्राम्स होते हैं जिन्हें अभी मैं उतना टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ सो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करें और आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और कमेंट करिए आप लोग व्हाट्सएप पे मैं पीडीएफ क्वेश्चन प्रण का प्रोवाइड कर दूंगा ओके सो डीआई का क्वेश्चंस है डाटा इंटरप्रेशन पांच क्वेश्चंस आते हैं मींस आपको दस नंबर यहाँ से आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसलिए क्वेश्चन लेके आ आगे, आगे आप लोग एक बार अंडरस्टैंड करिएगा क्वेश्चन का नेचर क्या होता है यहाँ पर उसे समझने की कोशिश करिएगा आप लोग ओके लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्टी वन द अप्रॉक्सीमेट रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स फॉर ऑल ईयर एंड द टोस्टल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट फॉर द ऑल द ईयर मीन्स इन सभी वर्षों के लिए करों पर किए गए कुल व्यय और इन सभी विषयों के लिए परिवहन पर किए गए कुल व्यय का अनु अनुमानित अनुपात क्या अनुपात होता है वो हो जाएगा आंसर क्वेश्चन आप लोग दे नहीं है तो आप लोग आंसर नहीं बता पाएंगे इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ थर्टी वन रेशियो थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इज द टोटल द टोटल अमाउंट ऑफ़ द बोनस पैड बाई द कंपनी डूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रॉक्सीमेटली वाट प्रजेंटेड ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पैड डूरिंग दिस पीरियड वन पॉइंट थर्टीन परसेंट प्रदत्त अवधि में कंपनी द्वारा भुगतान की लाभांश की कुल धनराश वेतन की कुल राश का लगभग कितना प्रतिशत है तो एक दशमलव प्रतिशत है एक दशमलव तीन प्रतिशत है ओके ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द आइटम इन टू थाउजेंड एट व अप्रोक्सीमेटली वाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन टू थाउजेंड ट्वेल्व ओके वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा किए गए कुल व्यय और वर्ष 2012 में किए गए कुल व्यय का कितना प्रतिशत है सो आंसर इज 166 परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 34 द अप्रॉक्सिमेट रेशियो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द इन द ईयर 2008 एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2019 इज वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा किए गए कुल व्यय और वर्ष 2009 में कंपनी के कुल व्यय का अनुमानित अनुपात क्या है द रेशियो ऑफ कंपनी इन टू थाउजेंड एक्सपेंडिचर एंड इन 2009 एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है तो रेशियो इज फिफ्टी सेवन इज टू सिक्सटी एट रेशियो डी का लास्ट क्वेश्चन डाटा एंड से फाइव क्वेश्चन आते हैं उसके लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच ऑफ द कंपनी हैड टू पे इन रुपीज ड्यूरिंग द पीरियड तो हो जाएगा सॉरी दिस ऑप्शन इज थर्टी थर्टी थ्री पॉइंट सेवन लाख रुपीज ओके okay. इस अवध में कंपनी को प्रति वर्ष कितने औसत ब्याज का भुगतान करना पड़ा है? तो थर्टी थर्टी थ्री थर्टी थ्री पॉइंट सेवन लाख रुपीज का भुगतान कंपनी को करना पड़ा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रेजेंटेड इज द मेन फंक्शन ऑफ यू निम्नलिखित में से किन कथनों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य प्रकारों का निरूपण होता है रिकॉग्नेशन ऑफ इंस्टीट्यूट संस्थाओं की मान्यता सेकेंड इज मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ओके गुणवत्ता और मानकों का अनुरक्षण एंड दिस वन इज राइट दिस वन इज करेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर की नियुक्ति कौन करता है गवर्नर करते हैं सो थर्ड वन इज गिविंग ग्रांट टू इंस्टीट्यूट बिल्कुल इंस्टीट्यूट को क्या देता है ग्रांट्स देता है संस्थाओं को अनुदान देता है व स्टूडेंट को स्कॉलरशिप यू देता है जो नेट जे आर कर जे आर एफ करते हैं और कुछ नेट लोगों को भी कुछ स्कॉलरशिप मिलती है एंड फिफ्थ इज फिफ्थ स्टेटमेंट इज है मेकिंग स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकती है सो आंसर इज वन सेकेंड एंड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आंसर इज सी लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन द क्वेश्चन नंबर

Which of the following is an online digital storage house of all academic award like certificates, diploma, degree, marks, etc. So answer is National Academic Depository (NAD). इसे बोलते हैं साइट पार्ट में। यानी डी National Academic Depository यहां पर आप लोग ऑनलाइन डिग्री वगैरह रख सकते हैं। Next question सी 39 थर्टी नाइन क्वेश्चन द कन्वेंशनल पैलेस टू स्टोर कंटैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर क्विक ट्राइवल इन ईमेल इज ईमेल में त्वरित पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना संग्रह करने हेतु सुविधाजनक स्थान है ऑप्शन वन इज एड्रेस बुक या पता पेटिका एड्रेस बॉक्स सेकेंड मैसेज बॉक्स या संदेश पेटिका थर्ड इज एड्रेस बुक या पता पुस्तिका फोर्थ इज संदेश पुस्तिका या मैसेज बुक सो आंसर इज एड्रेस बुक या पता पुस्तिका सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड एट रिड्यूस इन द इमेसन ऑफ ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस कैसेस And phasing second is phasing out ozone depletion substances. Third one is pro prohibiting prohibiting transboundary movement of hazardous waste. परिसंकट में वाष्प पदार्थों को सीमा पार जाने पर निषेध करना Montreal Protocol के अंतर्गत आता है। No, so तो बिल्कुल नहीं है। Enhance cooperation among UN members states for the peaceful न्यूक्लियर एनर्जी शो ये भी नहीं है और रिड्यूसिंग ऑफ ग्रीन हाउस एनर्जी ये किसपे आता है क्योटो प्रोटोकॉल है ये क्योटो प्रोटोकॉल है ओके okay. सो so, दिस फर्स्ट रैंक सेकंड थर्ड फोर्थ रंग सो आंसर इज सेकेंड फेजिंग ऑफ टॉप ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस मींस ओजोन ओजोन अब अवघटन करता पदार्थ जो होते हैं जैसे सी एफ सी है फ्लोरोकोलोर कार्बन है कार्बन मोनोऑक्साइड से इन सबको क्या करना है ओजोन लेयर को जो भी पदार्थ हानि पहुंचाते हैं उन्हें क्या करना है चरणबद्ध तरीके से हटाना है इसके लिए मोन्टियाल प्रोटोकॉल नाइनटीन में मोन्टियाल प्रोटोकॉल आया था नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन एस एम टीपी इज एन एक्रोनिम्स फॉर द आंसर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पिछली वीडियो आप देख लीजिए पूरा एक्सप्लेनेशन वहां पड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इन लार्ज पार्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया पूरे भारत के बड़े पैमाने में जैसे कि बिहार पश्चिम बंगाल असम झारखंड द ग्राउंड वाटर इज कंटेमटेड बाय द भू जल निम्न तो किससे प्रभावित है आर्सेनिक लेड मरकरी निकल आर्सेनिक से प्रभावित है लेड मीन्स शीसा परत पारा निकल मरकरी निकल मीन्स होता है निकल हिंदी भी निकल होता है सॉरी सो so आंसर इज आर्सेनिक पश्चिम बंगाल वगैरह में बहुत पैमाने पे जो पानी होता है उसमें आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी टू ताजमहल इज मेनली ताजमहल इज मेनली क्रिएटेड बाय द डिटेरियस इफेक्ट ऑफ ताजमहल का मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सो आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस आर द टू स्टेटमेंट्स टू स्टेटमेंट्स आर गिवन अर्थ ए इज फाइव ऑन रिकटाइल स्केल एंड अर्थ बी इज एट ऑन द सेम सेम स्केल अर्थ बी हैज वन थाउजेंड टाइम एम्पलीट्यूड कंप्रेस टू ए आप लोग भूगोल में जोग्राफी में भूगोल का चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पर सिस्मोग्राफ वगैरह का यूज किया जाता है रिक्टर स्केल तो वहाँ पर ये आप लोग अच्छे से समझे होंगे तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है द एनर्जी रिलीज इन बी इज द इन थ्री टाइम्स दैट ऑफ ए गलत है सेकंड स्टेटमेंट गलत है ओके सो ऑप्शन इज वन लेट्स डिस्कशन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव अ कंप्यूटर हैज मेन मेमोरी ऑफ नाइन सिक्सटी किलो बाइट फाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट कंटेंट इन दिस मेमोरी नाइन सिक्सटी इंटू वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे आप लोग पूरा वीडियो देखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीज एट फोर्टी सिक्स क्वेश्चन नेम ऑफ द स्कीम हिच फैसिलिटेड अकेडमिक एंड रिसर्च कॉलेबोरेशन बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूट एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड सौलोत्कृष्ट वैश्विक संस्थानों और भारतीय संस्थाओं के मध्य शैक्षणिक और शोध शोधपरक सहयोग को कौन आसान बनाता है सो आई सी एस एस आर इम्प्रेस स्कीम एंड सेकेंड इज स्टाफ दिस इज स्टाफ स्कीम एस टी एफ एफ स्टाफ डेवलपमेंट स्कीम थर्ड इज स्पार्क फोर्थ इज इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट स्कीम सो आंसर इज स्पार्क स्पार्क मीन्स होता है स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलेबरेशन ओके सो आंसर इज सी स्पार्क क्वेश्चन नंबर नंबर लेट्स क्वेश्चन फोर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन इज ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज नॉट अ वीडियो फाइल फॉर्मेट एवी दिस इज एवी एवीआई दिस इज एवी आई सॉरी एवी नहीं है डब्ल्यू नहीं है ए वी आई है ए वी आई एम ओ वी एम पी फोर जे पी ई जी सो इस फोट जे पी ई जी जो है ये क्या है फोटो फाइल से ओके लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट ऑफ फार द डे बाई डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी फीच ऑफ़ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल जो यूनिवर्सिटी का नित्य प्रतिदिन का कार्य होता है प्रशासन होता है उससे कौन सी बॉडी देखती है सीनियर देखती है या एग्जीक्यूटिव काउंसिल या सीनियर सिंडिकेट्स देखती है या स्टूडेंट एक काउंसिल एकेडमिक काउंसिल सो एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखती है मीन्स अधिशासी परिषद देखती है लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन इफिसंसी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इज द लीस्ट अमंग द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ निम्नलिखित में से ऊर्जा के किस स्रोत में न्यूनतम विद्युत उत्पादन होता है एक बार क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करते हैं निम्नलिखित में से ऊर्जा के किस स्रोत में न्यूनतम बिजली उत्पादन होता है सोलर विंड जियोथर्मल या न्यूक्लियर सो so, अभी लेटेस्ट डाटा आप लोग देखेंगे तो उसमें चेंज होगा क्योंकि चेंज होते रहते हैं डाटा सो so, ये जब क्वेश्चन बना है उस टाइम के डाटा के हिसाब से और अभी भी डाटा के हिसाब दो जो इंडिया बुक है उसके डाटा के हिसाब से जियोथर्मल भूतापी ऊर्जा सब से सबसे कम बिजली का उत्पादन किया जाता है द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इज हायर एजुकेशन नॉन कन्वेंशनल मतलब कौन सा पारंपरिक नहीं अधिगम अधिगम कार्यक्रम है उच्च शिक्षा में इन हायर एजुकेशन स्वयं फेस टू फेस टीचिंग ये तो भाई ट्रेडिशनल है ट्यूटोरियल क्लास ट्रेडिशनल है सेमिनार भी पहले सोते हैं सो आंसर इज स्वयं पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्वयं पोर्टल स्वयं को पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है हर बार क्वेश्चन आ रहा है लगभग लास्ट बार जून में जून 2019 में 10 सेट हुए थे दिसंबर जून 2019 में भी 10 सेट हुए थे और सब में कहीं नहीं कहीं क्वेश्चन स्वयं से पूछा गया है तो स्वयं के सारे आस्पेक्ट से आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा सो आज का डिस्कशन बस यहाँ तक ही था थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए शेयर करेंगे तभी मुझे और वीडियो बनाना में अच्छा लगेगा और इससे मेरा उत्साह बनेगा मैं ऑफलाइन क्लासेस से ऑनलाइन मोड में आया हूँ दिल्ली का टीचर आप लोगों के घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए पर एक क्वालिटी एजुकेशन तभी प्रोवाइड हो सकेगी जब आप लोग हमसे अधिक से अधिक संख्या सा में जुड़ेंगे और ये यूट्यूब चैनल हमेशा फ्री रहेगा कभी भी पैट नहीं होगा ये अभी से मैं अलाउंस कर रहा हूँ थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू